हेलो एवरीवन, राधे राधे। कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे ही होंगे और स्वस्थ होंगे। आप सभी का स्वागत है आपके चैनल कुसुम फैमिली ब्लॉग में। तो आज है, देखिए, सैटरडे का दिन है, क्योंकि मैं डेट और टाइम वो दिन ना बताना ही भूल जाती हूँ, फिर मुझे कमेंट करके कि दीदी आज कौन सा दिन है। तो सैटरडे सुबह का टाइम हो रहा है, 8:30 बजे का टाइम है। झाड़ू लगी है, घर सेट हुआ है, गन्नू स्कूल चला गया है। पिंकू की आज छुट्टी होती है उसकी, पिंकू की मतलब हर सैटरडे छुट्टी होती है, गन्नू की 2nd और 4th होती है। तो चलिए वीडियो शुरू कर लेते हैं और आज मैं आप लोगों को दिखाने वाली हूँ। तो बीच में कॉल आ गई थी उसके लिए सॉरी, इसलिए बीच में वीडियो रोक करके अपनी कॉल अटेंड की है। और मम्मी की कॉल थी घर से, मम्मी को अगर मैं मतलब कॉल करती हूँ और बात नहीं करूँ तो उनको यही रहती है, पता नहीं क्यों नहीं उठाया है फ़ोन, क्यों नहीं बात कर रही है, ये सब। तो इसलिए उनकी कॉल मैं ज़रूर उठाती हूँ, चाहे मैं किसी कॉल पर भी व्यस्त रहूँ या ना रहूँ। तो देखिए, आज मैं आप लोगों के साथ में काफ़ी अच्छा वीडियो शेयर करने वाली हूँ, तो प्लीज़ आज वीडियो में एंड तक बने रहिएगा और अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखना। और वीर और वाणी के लिए जो मेरी वीडियो गई है ना आप लोगों के पास में, उस पर काफ़ी अच्छे कमेंट आपने उनको विश किया है, तो उसके लिए थैंक यू सो मच आप सभी का। एक दो कमेंट आ रहे थे कि दीदी आपके भाई को कितने साल हो गए, मतलब ख़त्म हुए उसको, तो मैं आपको बताऊँ वो ख़त्म हुआ था 2008 में, ख़त्म हुआ था मतलब अक्टूबर में, तो 2008 अक्टूबर में ही ख़त्म हुआ था, मतलब हो गए 14-15 साल उसको। और जब ख़त्म हुआ था तो 16 साल का था उस टाइम पे। तो बस यही सच्ची में, और आज देखिए इतना बड़ा हो जाता, शादी हो जाती उसकी और बच्चे भी होते उसके, लेकिन कहते ना कि भगवान के सामने किसी की नहीं चलती। और अकेला ही था, 2 बहन 1 भाई 3 बहन भाई थे, तो वो ख़त्म हो गया, 2 बहनें रह गई थी। फिर उसके बाद में भगवान ने हमें वीर के रूप में दूसरा मतलब दिया है, तो हम उसमें भी खुश हैं। कहते हैं ना कि वो भी हमें इतने टाइम के बाद भगवान ने दे दिया, उसके लिए भी हम तो भगवान का धन्यवाद करते हैं सभी। कहते हैं ना कि जो खोई हुई खुशियाँ थी हमें थोड़ी सी ही सही बच्चे के रूप में वापस दे दिए, धीरे धीरे वो भी बड़ा हो जाएगा, 4 साल के हो गए हैं, 5वीं साल में चल गए हैं दोनों। तो उनका भी जन्मदिन कैसे मनाएंगे आपको मैं कमेंट करके जरूर, सॉरी, वीडियो बना के जरूर दिखाऊंगी। जैसे मैंने पिछली वीडियो में आप लोगों को बताया था कि बहुत ज़्यादा धूमधाम से जन्मदिन नहीं मनाते हैं, क्योंकि पहले साल वाले जन्मदिन पे बहुत बीमार हो गया था, तो बेचारे का हॉस्पिटल में ही ले जाके हमने केक कटवाया था, यशोदा में परमिशन ली थी, तो उन्होंने मतलब पहले तो यही बोल दिया कि इन्फेक्शन हो जाएगा, हम ज़्यादा ये नहीं ला सकते, लेकिन आप छोटा सा जो वाणी ने काटा था घर पर कि उसी का पीस ले कर आके प्लेट में रख के हम थोड़ा सा नेक करवा सकते हैं बच्चे के लिए, और आप लोगों की खुशी को ध्यान में रखते हुए, तो बस वैसे ही किया था जैसे डॉक्टरों ने बोला था। तो बहुत ज़्यादा मतलब ये नहीं, सुबह सुबह ना नीचे सब्जी वाले आ जाते हैं बेचने के लिए, ऐसे तो डेली नहीं आते, लेकिन कोई कोई मतलब ज़्यादा दिन पूरा दिन नहीं आते, कोई कोई आता है, क्योंकि हमारे यहाँ पर 2 मंडी लगती है थर्सडे को और संडे को, तो 2 ही सब्जी मतलब 2 टाइम पर सब्जी लग जाती है हफ्ते में, तो ज़्यादा सब्जी वाले नहीं आते, लेकिन इतने सच्ची में यहाँ बेचने वाले आते हैं ना सारा दिन, कुछ ना कुछ। मुझे लगता है यहाँ नहीं, जितनी भी फ्री होल्ड वाली कॉलोनी है सभी जगह ऐसे ही आते हैं। हमारी भी फ्री होल्ड वाली ऑथराइज्ड जो कॉलोनी होती है उनमें थोड़ा सा परमिशन नहीं होती है उनको आने के लिए, लेकिन उनकी भी रोजी रोटी है, देखिए सबको कुछ ना कुछ ज़रूरत पड़ती रहती है। तो चलिए वीर और वाणी के जन्मदिन पर फोकस करेंगे हम, कैसे मनाते हैं अभी तक कोई भी आइडिया है नहीं है, लेकिन हाँ ईशु पिंकू और गन्नू तीनों जाएंगे, बच्चों को चाची ने बुलाया कि ज़्यादा भी नहीं है, मैं बच्चों को बुला के तो इनका केक वगैरह कटवाना ये सब तो मैं करूँगी, तो उस हिसाब से जैसी भी रहेगा मैं आप लोगों के साथ वीडियो शेयर करूँगी। लेकिन उससे पहले अपने घर का काम करते हैं और नाश्ते में बनाते हैं चलिए। तो यहाँ पे देखिए मैं डस्टिंग कर रही हूँ, और सच्ची में डेली डस्टिंग मतलब हर चीज़ की करती हूँ, लेकिन उसके बावजूद भी शाम तक वैसा का वैसे ही सारा सामान गंदा हो जाता है। घर के जो मेरी बिल्डिंग है उसके थोड़ी सी दूर पे घर बन रहा है, तो वहाँ से इतनी धूल मिट्टी आती है, जब हमारे आसपास में ऐसे कुछ काम चलता है तो बहुत ज़्यादा डिस्टर्बिंग्स होती है। एक तो आवाज़ें इतनी सारी होंगी, कुछ ना कुछ काम चलता रहेगा, और ऊपर से इतनी डस्ट आती है बहुत ज़्यादा। तो बस यहाँ पर काम चल रहा है, तो मैं यहाँ पे सारी चीज़ें झाड़ पहुँच के उसके बाद हम पोछा वगैरह लगाऊंगी। और मुझे एक कमेंट आ रहा था जो मेरी 10-12 दिन पहले की वीडियो है उस पर आया है वो, तो उन्होंने मुझे बोला है कि कमेंट तो मैं आपको पहली बार ही कर रही हूँ, लेकिन वीडियो बहुत टाइम से देख रही हूँ, आप हम सबको इतना बेवकूफ़ क्यों बना रही हो? इस बारे में बात बाद में करूँगी। मेरी एक सब्सक्राइबर है सरिता चौधरी, उनके बेटे का जन्मदिन है, आलोक नाम है उसका, तो जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं आलोक बेटा मेरी तरफ से। आप हमेशा स्वस्थ रहो और खूब पढ़ो लिखो, अपने मम्मी पापा का नाम रोशन करो, यानी कि उसका जन्मदिन है
चार तारीख को, मैं एडिटिंग जो कर रही हूँ ये चार तारीख को ही कर रही हूँ, आज 4 सितंबर को, तो आज ही उसका जन्मदिन है। तो आप सब भी बच्चे को ढेर सारी शुभकामनाएं दीजिएगा। तो मेरी डस्टिंग हो गई, उसके बाद में पोछा लगा रही हूँ। पोछा के लिए मैं लाइजोन जो होता है उसको मैं यूज करती हूँ, और ये मैं कैंटीन से लाती हूँ। कई बार पिंक कलर का आ जाता है, कई बार ये वाइट कलर का, जो भी फ्लेवर मुझे ठीक लगता है वही ले लेती हूँ। पिंक वाला इस बार मिला नहीं था, क्योंकि वो गुलाब वाला रहता है, उसकी अच्छी खुशबू होती है। ये वाला मिला तो मैं यही वाला लेकर के आ गई हूँ। और पोछा के बारे में आप सब पूछते रहते हो, तो इस बार वाली की मैंने पोछा ये ऑनलाइन मंगाया है, क्योंकि कैंटीन में पोछा मिला नहीं। ऑनलाइन ये मुझे 700 रुपये का पड़ा है, कैंटीन से मुझे 450 रुपये में पड़ जाता है। तो मैं उनके बारे में बताती हूँ, मतलब उन्होंने मुझे बोला है कि आप हमें इतना सब बेवकूफ़ क्यों बनाती हो, मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें आप झूठ बोलती हो, वीडियो कुछ दिखाती हो, बोलती कुछ हो। तो देखिए ऐसा नहीं है, अगर मैं सच्ची में आपको बताऊं, अगर मैं बेवकूफ़ बनाने वाला काम करती ना तो आज मेरे सब्सक्राइबर 1 लाख से ऊपर होते, क्योंकि जो मैं हूँ वही आप लोगों को वीडियो दिखा रही हूँ, और वीडियो में भी जो दिखाती हूँ वही बोलती हूँ। क्योंकि देखिए कहते हैं ना, हम दिखावटी चीज़ें 1 दिन कर सकते हैं, 2 दिन कर सकते हैं, जो हैं हम रियल। आपको 3 साल हो गए मुझे वीडियो बना के दिखाते दिखाते, अब तक आपको पता चल जाता। जितने मेरे व्यूवर्स जुड़े हुए हैं मेरे साथ में, वो मेरी डेली वीडियो देखते हैं, उनके लिए थैंक यू सो मच। लेकिन ये यूट्यूब पर मैं बहुत सारे लोगों को देखती हूँ जो खुद भी काफ़ी नौटंकी करते हैं, अगर मैं भी उस तरीके से करने लगूँ तो सच में मैं भी बहुत आगे चली जाऊँगी। तो यहाँ पर देखें, ईशु बच्चों को लेके पहुँच गई थी बानी और वीर के जन्मदिन में, तो वहाँ पर इन्होंने प्लेट लगा के पूरी तैयारी कर दी है, जो बच्चे आएंगे उनको केक वगैरह देने के लिए, कि केक कटिंग होगा तब रख देंगे। चिप्स यहाँ पे और फ्रूटी वगैरह ये सब इन्होंने, फ्रूटी नहीं रियल के जूस हैं ये, तो ये सब रख दिए हैं। और पिंकू और ईशु की मस्ती हो रही है। बानी तो चमक रही है बानी? हाँ, तारों की जैसे। यूं कह रहा, तारों के जैसे चमक रही है बानी, तो तारों के जैसे। कोई यहाँ देखिए, बानी का फोटो शूट हो रहा है। बानी यानी कि मेरी इतनी छोटी सी बहन है, ईशु की मौसी है। ईशु भी हंसती है, मेरी मौसी इतनी छोटी है। तो यहाँ इतनी खुश थी ये, इसको फ्रॉक वगैरह नहीं पहनी, जीन्स पसंद है। और वैसे भी ज्यादातर सभी को पता है लड़कियों को जीन्स टॉप बहुत पसंद होते हैं। 93 मतलब। हेलो माधव, हेलो गाइस, ये मेरे तीनों ढोलू क्या कर रहे हैं? और सच बताऊं, केक बहुत ज्यादा लेट काटा गया था। और यहाँ पे देखिए डेकोरेशन किया है ईशु ने, आसू ने और चाचा जी मेरे, उन्होंने मिलकर के आरती की वजह से बहुत ज्यादा लेट केक कटिंग हुआ है। रुकला इधर देख, देख चॉकलेट खा रही है। अरे केक भी गिर जाएगा वो आगे। देख सुन, वहाँ बहुत जगह है, वहाँ नहीं, बस चलो ले चलो दीदी, इसको वही वाली है ना, अब सही है, बस भाई खुश रहना चाहिए। तो यही वीडियो थी मेरे पास में बर्थडे की, तो मैंने आप लोगों के साथ में शेयर कर दी है। वैसे काफ़ी अच्छे से धूमधाम से मनाया है, मतलब जैसे छोटे बच्चों के मनाते हैं उस हिसाब से। वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से, प्लीज़ जो लाइक करना भूल जाते हैं वो लाइक कर दिया करिए। कल मिलूंगी और एक अच्छे से वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।